लापता के पोस्टर लगने के बाद क्षेत्रीय सांसद राजबहादुर सिंह को जनता की याद आई। बीआरसी भवन में अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा की, अपनी तरफ से राशि देने की घोषणा नहीं की। सांसद मीडिया के सवालों को टालते हुए नजर आए। सिरोन तहसील में सागर संसदीय क्षेत्र के सांसद राजबहादुर सिंह की अध्यक्षता में बीआरसी भवन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सिरोन लटेरी विधानसभा के विधायक उमाकांत शर्मा सहित सभी आला अधिकारी उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद राजबहादुर सिंह ने अधिकारियों से सिरोन क्षेत्र में कोरोना महामारी से बचाव के लिए की गई तैयारियां एवं उसके बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर चर्चा की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से साफ साफ तौर पर कहा कि कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सभी अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप पालन करते हुए अपना और अपने सिरोन क्षेत्र के सभी रहवासियों का विशेष रूप से ध्यान रखना है और कोरोना संक्रमण जो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है उसको रोकने के लिए सबको एक साथ मिलकर चलना होगा। देश में और प्रदेश में जिस तरह से कोरोना की रोकथाम के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं। सिरोन से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। वो जो पंजीयन होना पोर्टल पे वो पूरा लिंक भी दी हुई है, तो वो पंजीयन होना शुरू हो जाएगा, तो वो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। कहाँ कितना पंजीयन हुआ, तो उस हिसाब से अपना वैक्सीनेशन सेंटर जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कल वैक्सीनेशन हुआ, कल 330 होना कितना चाहिए था? 700 के लगभग। अलग ही क्या हो रही है, एक तो ऊपर से जानकारी समय कभी ना रही, सबसे अच्छा डोज उपलब्ध रहेगा वो पता नहीं रहता। दूसरा इनका प्रचार प्रसार भी नहीं है, बोलते डोज बेकार हो गए हैं। प्रचार प्रसार ठीक होना चाहिए। और जैसे कल शुक्रवार को नहीं था, परसों कल था, और गुरुवार शुक्रवार को कुल कितने हुए? इस प्रकार की ये बैठक नहीं थी कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ें कुछ हुई। ये एक नियमित जो हमारे कोरोना को लेके जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में चिंता है, इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुखिया शिवराज जी इस प्रकार से पूरे चिंतित हैं इस बात को लेके कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में कोरोना की जिस प्रकार से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से कैजुअलिटी बढ़ रही है, हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों का ये दायित्व बनता है कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जाके जो भी व्यवस्थाएं प्रशासनिक स्तर पर हो रही है उन व्यवस्थाओं की हम लोग समीक्षा करें और कौन कौन सी कठिनाइयां हैं प्रशासनिक चीज़ों में। जैसे अभी एक बड़ी समस्या आ रही है ऑक्सीजन की, एक समस्या आ रही है संसाधनों की, कई जगह बेड उपलब्ध नहीं है, कई जगह आपके वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, तो इन सब चीज़ों से बैठ के आयोजित होने से चीज़ें निकल के आती हैं। और आज हम लोग सब यहाँ बैठे थे, सभी अधिकारी थे, माननीय विधायक जी थे, और हम लोगों ने जो जो चीज़ें यहाँ पे ठीक हो रही हैं और इसके अतिरिक्त जिन चीज़ों की जिला अपने प्रशासन की तरफ से मांग है, इस मांग को हम लोग अपने जो उच्च अधिकारी हैं उन तक पहुँचा के यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आए हैं। सब लोग एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं है, ये अनुविभागीय अधिकारी जी ने भी बताया है, लेकिन अभी उनसे बात भी है, उनने आश्वस्त किया है कि अभी एक प्राइवेट एम्बुलेंस आवश्यकता पड़ने पर प्राइवेट एम्बुलेंस अभी उपलब्ध करा दी जाएगी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे एक नियमित एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। सर, जिस तरह विधायक जी ने वो सीओ साहब की जानकारी को गलत बताया, तो सीओ साहब कोई प्रतिदिन देंगे आप कर रहे हैं क्या? सीओ साहब ने कहा था कि मृत्यु नहीं हुई अभी तक गाँव में, विधायक साहब ने झूठ बताया कि मृत्यु हुई? झूठ नहीं बताया, कई जगह क्या होते हैं कि आंकड़े बराबर नीचे तक आ नहीं पाते, अलग अलग भर्ती हैं, क्योंकि ये चार पांच जगह की व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की व्यवस्था है, पंचायत लेवल की व्यवस्था है, भोपाल, अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, तो कई जगह सामंजस्य की कमी रहती है। और हम लोगों के आने का केवल अर्थ यही होता है कि ये जो मिसकम्युनिकेशन है, आपस में बातचीत नहीं हो पा रही है, कोई अलग अलग विभाग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है।
गलत जानकारी नहीं दी है, मिसकम्युनिकेशन था वो बात को। सर दो तीन सोशल मीडिया चल रही है कि लापता आपके द्वारा पोस्ट चलाएंगे, देखिए क्या उसका ही नजारा है कि आपकी बैठक उनका उनका अपना काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम है, हम लोग अपना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।